तो हेलो फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर था बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का तो इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर टू डीसी सर्किट्स तो इस वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे डीसी सर्किट्स को फिर उसके टाइप्स को एंड फिर हम डिस्कस करेंगे डीसी सीरीज सर्किट्स को तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सर्किट क्या होता है अ सर्किट इज अ क्लोज पाथ फॉलोड बाई करंट ठीक है जिसमें से एक क्लोज पाथ जिसमें से करंट फ्लो करे उसको हम कहते हैं सर्किट तो अब डीसी सर्किट क्या होगा क्या होगा हमारे पास द क्लोज पाथ फॉलोड बाई डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड एज सर्किट अब जो हमारा डीसी सर्किट होते हैं इसके हमारे पास आते हैं तीन टाइप्स फर्स्ट टाइप जो होता है हमारा होता है सीरीज सर्किट सेकेंड टाइप होता है हमारा पैरेलल सर्किट एंड थर्ड जो टाइप रहेगा हमारा वो होगा सीरीज पैरल सर्किट्स तो इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे डीसी सीरीज़ सर्किट्स को कि डीसी सीरीज़ सर्किट होते क्या और उसमें करंट वोल्टेज की क्या क्या वैल्यू रहेगी तो इसमें क्या होता है डीसी सीरीज़ सर्किट होता है क्या सबसे पहले तो इसमें क्या होता है कि रजिस्टेंसीज आर कोनेक्टेड एंड टू एंड जो रजिस्टेंसीज होती है वो एंड टू एंड कोनेक्टेड होती है तो उसकी वजह से क्या होता है जो करंट है उसके लिए ओनली वन पाथ होता है तो उसमें क्या होता है जब करंट के लिए वन पाथ रहेगा तो करंट चेंज नहीं होगा इसमें इस केस में डीसी सीरीज सर्किट के केस में करंट चेंज नहीं होता है ये आपको याद रखना है बहुत काम आने वाली चीज है तो आप मान लीजिए कि कोई तीन रजिस्टेंस किसी सर्किट में लगी हुई है ठीक है तो आर जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस या फिर हम कह सकते हैं कि जो वोल्टेज वी आएगी हमारे पास वो आएगी आई R1 जो हमारा पास वो आर वन की वैल्यू रहेगी उसमें की जो रजिस्टर लगा होगा ठीक है तो थ्री इज इक्वल टू आई आर थ्री अब ये कहाँ से आया हमें हम पता है जो हमारा ओम्स होता है वहां से आए गए वी वन इज इक्वल टू आई आर वन वी टू इज इक्वल टू आई आर टू एंड वी थ्री इज इक्वल टू आई आर थ्री तो इसके बाद जब हम हमें पता है कि जो टोटल जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है टोटल जो हमारी वोल्टेज होगी सर्किट की वो होगी V1 वन प्लस वी टू प्लस ठीक है जो टोटल वोल्टेज मिला के हमारे जितने भी हमारे इंडिविजुअल वोल्टेजेस हैं इनको मिला के हमारी जो है वो टोटल वोल्टेज आएगी ठीक है तो V1 वन प्लस वी टू प्लस वी जो हमारा आएगा वो आएगा वी जो हमारा पोटेंशियल uh, डिफरेंस है फिर वोल्टेज रहेगी तो V इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री तो हमें पता है कि वो वी वन जो है वो आई आर वन है वी टू इज इक्वल टू आई आर टू एंड वी थ्री इज वल टू आई आर थ्री तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा V इज इक्वल टू आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री तो यहाँ से जो है हमारा अगर हम I कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या आ जाएगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री तो ये हमारे पास आ जाएगा वी इज इक्वल टू आई टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री अब हमको पता है कि जो वी होता है ठीक है वो है होता सर्किट मतलब, तो अगर इस आई को हम इधर ले आते हैं तो हमारे पास आ जाएगा वी अपॉन आई इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री तो अब हमें पता है कि जो वी अपॉन आई होता है वो होता है आर

सो so, ये हमारे पास सीरीज़ सर्किट के, के केस में आएगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री जो हमारी टोटल रेजिस्टेंस रहेगी इसके बाद अगर बात कर ले कंडक्टेंस की तो हमको पता है जो कंडक्टेंस होता है वो होता है वन अपॉन रेजिस्टेंस तो यहां से हमारे पास आ जाएगा जी एस इज इक्वल टू वन अपॉन आर एस विच इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री सो so, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा वन अपॉन जी एस इज इक्वल टू वन अपॉन जे वन प्लस वन अपॉन जे टू प्लस वन अपॉन जी थ्री अब इसके बाद हम स्टडी कर लेते हैं सीरीज सर्किट के कुछ करेक्टरिस्टिक्स को तो सीरीज सर्किट में क्या रहता है सबसे पहले तो करंट इन द दजिस्टर इज सेम मतलब हर रजिस्टर में जो हमारा करंट रहेगा वो सेम रहेगा द टोटल रजिस्टेंस इज इक्वल टू इंडिविजुअल रजिस्टेंसिस जो हमारी टोटल रजिस्टेंस रहती है ये कह रहता है कि जितने भी हमारे सम इंडिविजुअल रजिस्टेंसिस हैं उनका सम रहता है ये मैंने आपको बता दिया है कि कैसे होता है हमने पीछे इसको स्टडी किया द टोटल पावर डेसीपिएटेड हमारे सीरीज़ सर्किट में टोटल पावर डेसीपिएटेड कितनी होती है सम ऑफ ऑल पावर डेसीपिएटेड इन इंडिविजुअल रजिस्टेंसेज तो जितने भी हमारे इंडिविजुअल रजिस्टेंसेज लगे होंगे उनमें जितनी जितनी उनमें पावर डेसिपेट होगी तो टोटल पावर डेसिपेट जो हुआ हमारी वो रहेगी उन सब की उन सब पावर डेटेड का सम तो आर एस इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा आई स्क्र आर एस इज इक्वल टू आई स्क्र आर वन प्लस आई स्क्र आर टू प्लस आई स्क्र आर थ्री तो यहाँ से हमारे पास जो आएगा पावर का फॉर्मूला वो आएगा पी एस इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री तो यही था हमारा डी सी सीरीज सर्किट इसके अगली वीडियो में हम स्टडी करेंगे DC पैरल सर्किट एंड DC सीरीज पैरेलल सर्किट्स को तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर